दोस्तों अगर आप भी यशस्वी जायसवाल को अच्छा बल्लेबाज मानते हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों तीसरे दिन जब भारत की टीम थी मुसीबत में, तब यशस्वी जायसवाल ने जान की बाजी लगाकर लगाया भारत के लिए सबसे तेज शतक और फिर फुट फुट कर लगे रोने। फिर रोहित शर्मा पर जो कहा वो सुनने के बाद पूरा भारत देश कर रहा है सलाम। तो दोस्तों आखिरकार इंग्लैंड के खिलाफ शतक जड़कर रोहित शर्मा के पैर छू लेने के बाद क्या बोले यशस्वी जायसवाल, वो तो आपको वीडियो में दिखाएंगे, तो बने रहिएगा अंत तक। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा में से कौन अच्छा बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों जैसे कि आप सभी तो जानते हैं कि भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट मुकाबला खेला जा रहा है, और दोस्तों तीसरे टेस्ट मुकाबले के तीसरे दिन टीम इंडिया का प्रदर्शन इतना लाजवाब होगा किसी ने भी इस बात का अंदाजा नहीं लगाया था। दरअसल दोस्तों टीम इंडिया ने टॉस जीतकर यहां पर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया, और 445 रन जब भारत की टीम ने पहली पारी में बना दिए थे तो जवाब में उतरी इंग्लैंड की टीम मात्र 319 रन पर ही ढेर हो गई। अब भारत की टीम को एक अच्छी खासी बढ़त मिल चुकी थी और यहां से भारत को बस यही चाहिए था कि कम से कम 300-400 रन के लगभग लक्ष्य को रख दिया जाए जिससे कि इंग्लैंड की टीम बुरी तरह से हार जाए। और दोस्तों फिर क्या था, यहां पर इंग्लैंड की टीम को हराने के लिए जब कप्तान रोहित शर्मा के साथ यशस्वी जायसवाल ने तीसरे दिन दूसरी पारी के दौरान कदम रखे तो यहां पर दोनों बल्लेबाज ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर पाते। उससे पहले ही जो रूट ने रोहित शर्मा को 19 रन पर चलता किया। अब रोहित शर्मा के आउट हो जाने के बाद थोड़ा बहुत डर तो लग रहा था कि कहीं यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल भी अपना विकेट ना गवा दें, लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों ने अपने आप को बखूबी संभाला और देखते ही देखते यहां पर यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल के बीच पहले 100 रन की साझेदारी हुई और फिर 200 रन की साझेदारी देखने के लिए मिली। और इस दौरान यशस्वी जायसवाल ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए यहां पर अपना शतक भी पूरा कर लिया, और शतक जड़ देने के बाद यशस्वी जायसवाल बिल्कुल भी खामोश नहीं रहे, उनका बल्ला चलता रहा। और अपने शतक के दौरान यशस्वी ने 9 चौके और 5 बड़े छक्के भी लगाए थे जैसा कि आप यहां पर स्कोर कार्ड में भी देख सकते हो। और दोस्तों यशस्वी जायसवाल ने इस ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के बाद आपको बता दें कि टेस्ट क्रिकेट में 800 रन के आंकड़े को भी पार कर लिया है मात्र 7 मैचों के भीतर, और आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि यशस्वी जायसवाल कितना दमदार प्रदर्शन टीम इंडिया के लिए करते चले जा रहे हैं। और दोस्तों यहां पर जब फिर तीसरे दिन का मैच समाप्त हुआ तो यहां टीम इंडिया ने 300 से ज्यादा रन की बढ़त इंग्लैंड के खिलाफ ले ली है। और आपको हम बता दें कि यहां पर यशस्वी जायसवाल अपने शतक पर भी काफी कुछ बोलते हुए नजर आए। इस बीच यशस्वी जायसवाल कहते हैं, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं कभी अपनी जिंदगी में इस मुकाम तक पहुंच पाऊंगा कि मैं जाकर सचिन सर और सहवाग सर की बराबरी कर लूंगा। मैंने कभी भी इस बात का अंदाजा नहीं लगाया था कि मैं कभी इतना बड़ा प्लेयर भी बन पाऊंगा। मेरे जिंदगी में जो कुछ भी उतार चढ़ाव आए हैं आज उन सब उतार चढ़ाव को मैंने वसूल कर लिया है, और मैं जानता हूं कि यहां तक पहुंचने में मेरे कप्तान रोहित भैया का सबसे बड़ा हाथ है। अगर वो मुझे टीम में मौका ना देते, वो भी उस वजह से जब मेरा प्रदर्शन इतना अच्छा भी नहीं चल रहा था, लेकिन उन्होंने मेरे पर भरोसा जताया और मुझे टीम में खिलाने का निर्णय लिया। उन्होंने बस मेरे से एक ही शर्त रखी कि मुझे रन बनाने हैं टीम के लिए, बाकी मुझे किसी बारे में नहीं सोचना है, और मैं बस उनके लिए रन बनाता हूं। और रोहित भैया की बदौलत मैं आज यहां तक पहुंच पाया हूं। मुझे गर्व है कि हमारे कप्तान रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ी हैं, अगर वो कप्तान ना होते तो शायद मैं यहां पे आज खड़ा नहीं होता। तो दोस्तों यहां पर यशस्वी जायसवाल ने तो जमकर रोहित शर्मा की तारीफ कर डाली है। लेकिन अब आप सभी क्या मानते हैं कि यशस्वी जायसवाल ने जो कहा है वो सही है या फिर गलत? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।